क्या आपको लग रहा है आपकी मोटरसाइकिल राइडिंग के बाद एक साइड खींच रहा है? क्या आपकी चेन से कुछ अलग ही साउंड आ रहा है, लाइक माराकस? क्या आपकी मोटरसाइकिल टायर एक साइड से डैमेज हो रहा है? गुड मॉर्निंग गाइस एंड अगेन वेलकम बैक टू बाइक्स एंड मोर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो का इंट्रो देख के आपको पता चल गया होगा कि आज का वीडियो है व्हील अलाइनमेंट के ऊपर। सो फ्रेंड्स, अगर आपके मोटरसाइकिल व्हील अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे आपका जो टायर है वो डैमेज हो सकता है, उसके साथ साथ आपका जो चेन पॉकेट है वो भी खराब हो सकता है, और आपका जो बाइक का परफॉर्मेंस है वो दिन के दिन लो हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको इसको सॉल्व करना है और कैसे आपको देखना है कि आपका व्हील अलाइनमेंट ठीक है या नहीं है। For more latest video, please like and subscribe us and don't forget to click on bell icon. So guys, ये जो problem है इसका वजह है दो। आपका पहला जो है वो है आपका chain adjustment और दूसरा है आपका जो front fork है उसका alignment में problem। तो चलिए पहले जानते हैं chain adjustment करने के बाद हम लोग क्या क्या गलती करते हैं और क्या क्या आपको करना चाहिए और क्या क्या आपको करना नहीं चाहिए। तो चलिए देखते हैं motorcycle chain tension adjustment। तो क्या जब भी हम लोगों का चेन लूज होता है तो हम लोग जल्दी से कोई भी मैकेनिक के पास चले जाता है और वो जल्दी से आपका जो चेन है उसको एडजस्ट कर लेता है, और उसके बाद क्या होता है आप लोगों को पता है, और इससे हम लोगों का जो टायर है वो डैमेज हो जाता है, और इसके साथ साथ आपका जो चेन पॉकेट है वो भी खराब हो जाता है, और आपका जो मोटरसाइकिल का परफॉर्मेंस है वो दिन के दिन लो हो जाता है। सो गाइस, इस एनिमेशन वीडियो में आप देख सकते हो, अगर चेन एडजस्टमेंट करने के वक्त आपका व्हील अलाइनमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आपका जो टायर है वो डैमेज हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको इसको एडजस्ट करना है। स्टेप नंबर वन, सो यहाँ पे आपका जो रियर व्हील नट्स है उसको लूज कर लीजिए, और यहाँ पे आपका जो चेन है उसको लूजन एंड टाइट करने के लिए आपका जो रियर व्हील नट है उसको लेफ्ट या राइट की तरफ आपको एडजस्ट करना है। और यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, आपका जो चेन है उसको ज्यादा टाइट नहीं करना है। स्टेप नंबर टू, सो गाइस, स्विंग आर्म के एंड पे आपको कुछ मार्क्स मिलेगा और इसका नाम है इंडेक्स मार्क। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है आपका जो इंडेक्स मार्क है वो आपका सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा जो इंडेक्स मार्क है वो है 4, और आपका जो दूसरा साइड है वहाँ पे भी आपको 4 ही रखना है। तो मेरा जो इंडेक्स मार्क है वो सेम ही है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप नंबर 3, सो गाइस, यहाँ पे आपको मेजरमेंट करने के लिए चाहिए एक मेजरिंग टेप। तो यहाँ पे आपका जो एक्सेल है, एक्सेल से आपका जो एडजस्टर है वहाँ का मेजरमेंट आपको लेना है। तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आ रहा है आपका 3.1। तो आपका जो बैक साइड का है मेजरमेंट है उसको भी सेम रखना है। तो चलिए इसको मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो मेजरमेंट है वो भी मेरा सेम ही है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप नंबर 4, सो गाइस, यहाँ पे आपका जो चेन टेंशन एडजस्टमेंट है वो परफेक्टली डन हो चुका है। तो चलिए रियर व्हील नट है या आपका जो एक्सेल है उसको परफेक्टली टाइट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रॉब्लम व्हील अलाइनमेंट में लाता है और वो है आपका जो फ्रंट फोक है उसका अलाइनमेंट में प्रॉब्लम। सो गाइस, आपको कैसे देखना है कि आपका फ्रंट फोक अलाइनमेंट ठीक है या नहीं है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। मोटरसाइकिल फ्रंट फोक अलाइनमेंट चेक। स्टेप नंबर 1, सो गाइस, यहाँ पे आपको चाहिए थ्रेड। तो आपका जो फ्रंट व्हील है उसमें इसको जोड़ लीजिए, और यहाँ पे आपका जो थ्रेड का सेंटर है और आपका जो फ्रंट व्हील का सेंटर है उसको सेम रखना है आपको। स्टेप नंबर 2, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है आपका जो हैंडल है उसको परफेक्टली स्ट्रेट रखना है, तो उसको स्ट्रेट कर लीजिए।
स्टेप नंबर थ्री। और यहाँ पे आपका जो रियर व्हील है उसके सेंटर पे आपका जो थ्रेड है उसको आपको टेप से इसको अटैच करना है। स्टेप नंबर फोर। सो गाइस यहाँ पे आपको चेक करना है आपका जो रियर व्हील है उसका सेंटर पे आपका थ्रेड आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आपको फ्रंट से भी चेक करना है इसको, आपका जो फ्रंट व्हील है उसका सेंटर पे आपका जो थ्रेड है वो आ रहा है या नहीं है। अगर सेंटर पे दोनों थ्रेड ही सेम है तो आपका जो व्हील अलाइनमेंट है वो ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रॉब्लम आ रहा है, आपका जो थ्रेड है वो एक साइड में आ रहा है, तो आपका व्हील अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही आपका जो फ्रंट फोक अलाइनमेंट है उसको आप चेक कर सकते हो, और ये कोई परफेक्ट तरीका नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो फ्रंट फोक है उसका अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है तो आप कोई भी अच्छा मैकेनिक के पास चले जाइए या कोई भी सर्विस सेंटर चले जाइए और वहां पे आपका जो फ्रंट फोक अलाइनमेंट है उसको चेक करवा के उसको ठीक कर लीजिए। फॉर मोर न्यू लेटेस्ट मॉडिफिकेशन एंड स्टिकरिंग वीडियो क्लिक ऑन डिस्क्रिप्शन। और अगर इस चैनल पे आप न्यू हो तो जल्दी से हम लोग को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत सारा स्टिकरिंग एंड मॉडिफिकेशन टिप्स। लास्ट वीक गिवे अवे विनर है सोहेल खान एंड विल टर्नर। तो आप लोगों को मिलता है 3D टैंक पेस्ट स्टिकर, विद इन 15 डेज आपको ये मिल जाएगा। सो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम लोगों को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ गुड डे।